नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं BA/BEd फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी लैंग्वेज के पेपर के अंतर्गत नाटक के तत्वों के बारे में बताऊंगी। नाटक एक कला है, अतः उसका नियमन भी बहुत आवश्यक है। समय बदलने या परिवर्तन के साथ नाटक के नियमों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। नाटक के विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे कि कथा वस्तु, पात्र चरित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, उद्देश्य, रस इत्यादि। नाटक के तत्वों को इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे कि पहला है इसका तत्व कथानक या कथा वस्तु। नाटक का कथानक संक्षिप्त होना चाहिए ताकि उसकी नाटकीयता संरक्षित रहे। कथा वस्तु का आरंभ प्रभावशाली होना चाहिए। कथा के विकास में उत्सुकता, जिज्ञासा और कौतूहल का भाव बना रहना चाहिए। नाटक के प्रत्येक दृश्य की योजना महत्वपूर्ण, सुंदर और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी घटना अनावश्यक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण नाटक का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अतः कथानक या कथावस्तु का सौंदर्य नाटककार की रचना कला पर आधारित होता है। तो ये तो थी कथा वस्तु, पहला तत्व। और अब हम बात करेंगे नाटक के दूसरे तत्व, पात्र या चरित्र चित्रण की। नाटक में पात्रों का अत्यधिक महत्व होता है। नाटक के सभी तत्व पात्रों में समाहित रहते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। अतः चरित्र चित्रण पर बहुत ही अधिक ध्यान होना चाहिए। नायक नाटक का वह प्रधान पात्र है जो कथा को फल की ओर ले जाता है। नायक या नायिका, या नायक और नायिका, कथा का, नाटक का वो प्रधान पात्र होते हैं जो कथा को फल की ओर ले जाते हैं। फल प्राप्ति भी नायक या नायिका को ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि वे पात्र जो कथा को फल की ओर ले जाता है नायक या नायिका कहलाता है, है ना? कि वह पात्र जो कथा को फल की ओर ले जाता है नायक या नायिका कहलाता है। नाटक में पात्रों के चरित्र चित्रण में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। नायक नायिका की सफलता उनके प्रभावशाली चरित्र चित्रण पर आधारित होती है। पात्र और दर्शक का सीधा संबंध होता है, अतः उनका चरित्र चित्रण करने में कुछ विशेष बातों का सदैव ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पात्रों के चरित्र चित्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए संक्षिप्तता आवश्यक है। नाटक में निरर्थक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, है ना? कि पात्रों के अगर चरित्र चित्रण को प्रभावशाली बनाना है तो उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए और बेकार की निरर्थक घटनाएं उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, चरित्र चित्रण करते समय नाटककार को स्वयं तटस्थता का भाव रखना चाहिए, कि वो कहीं स्वयं अपने आप को उससे वो नहीं हो जाए, प्रभावित नहीं हो जाए। और इसलिए जो नाटककार है उसको स्वयं ही अपने आप को तटस्थ रखना चाहिए जब वो नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण कर रहा हो। नाटककार को पात्रों की स्वतंत्रता में कहीं भी बाधक नहीं बनना चाहिए। और तीसरा है, पात्रों के चरित्र चित्रण में सजीवता और वास्तविकता होनी चाहिए। नाटक के पात्र यथार्थ की भूमि पर
भूमि से आए हों ना कि कल्पना से। कहने का तात्पर्य है कि नाटक में जो ये पात्र हैं वो हमें सजीव लगने चाहिए, क्योंकि तभी, क्योंकि नाटक से पाठक का जो है या दर्शक का गहरा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। तो जो ये हैं पात्र हैं वो वास्तविक होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए और कल्पना से भरे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि वो कल्पित पात्र होंगे तो वो पाठक या दर्शक उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे और वो वास्तविक नहीं लगेगा। तो बच्चों, ये जो नाटक के तत्व थे उसमें से मैंने आपको दो तत्व बताए हैं, एक तो कथा वस्तु और दूसरा पात्र और चरित्रण। अगले जो नाटक के तत्व हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था, मुझे उम्मीद है कि आपने नाटक के तत्वों को समझा, इन दोनों तत्वों को। और आपके कोई फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज इतना ही, शेष मैं अगले वीडियो में अगले तत्व आपको बताऊंगी। नमस्कार।